चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एम्स ने एमबीबीएस एडमिशन के लिए प्रोस्पेक्ट जारी कर दिया है। हालांकि एम्स के लिए जो एडमिशन होता है एमबीबीएस के लिए वो एमसीसी द्वारा किया जाता है और नीट स्कोर पर ही एडमिशन किया जाता है, लेकिन फिर भी इसकी अपने खुद की कुछ एलिजिबिलिटी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि क्या क्या एम्स के लिए एलिजिबिलिटी है अलग से। जो मेडिकल कॉलेज के लिए एलिजिबिलिटी होती है वो अलग है, एम्स के लिए अलग है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी एज की। तो एज तो सेम जो मेडिकल कॉलेज में, अदर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है वही इसमें है, यानी कि मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए। किसी भी स्टूडेंट का जो बर्थ है वो 31 2006 के पहले का या उसी दिन का होना चाहिए। तो ये एज की कंडीशन है और ये नीट के लिए भी होती है। अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें इसमें, तो इसमें 10+2 साइंस स्ट्रीम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास होना चाहिए। इसमें एडिशनल बायोलॉजी भी अलाउ है, यानी कि जिन कैंडिडेट्स ने एडिशनल बायोलॉजी से 12th क्लास पास कर रखी है वो सारे अलाउ हैं इसके लिए। अब इसमें मिनिमम मार्क्स की कंडीशन देखी जाए तो मिनिमम मार्क्स की कंडीशन जनरल और ओबीसी के लिए 60% है, और इसमें एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 50% है, और जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 45% है। तो ये कंडीशन है मिनिमम मार्क्स की एम्स के लिए, ये डिफरेंट है नीट से। इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं। आपको 12th की मार्कशीट चाहिए, इसमें 10th की मार्कशीट चाहिए, और इसमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, टीसी चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके अंदर। एससी एसटी अगर कोई कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, तो उनके सर्टिफिकेट की भी यहाँ रिक्वायरमेंट है। अब बात करें हम फीस की, तो सबसे कम फीस होती है एम्स की, सब कुछ मिला के 4,228 रुपीज एम्स दिल्ली के लिए लागू है, इसमें सब कुछ आ जाता है यहाँ पर। अब बात करें ओबीसी सर्टिफिकेट की डेट की, तो ओबीसी सर्टिफिकेट की डेट 1 अप्रैल 22 से स्टार्ट हो करके जो इसकी रिपोर्टिंग टाइम रहेगी वो रिपोर्टिंग टाइम के दिन तक आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि जो डेट रहेगी वो मिनिमम जो डेट रहेगी वो 1 अप्रैल 22 है। इससे पहले का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए, और इसमें कंसीडर तब किया जाएगा कि राउंड वन की रिपोर्टिंग होगी, तब तक के लिए ये कंसीडर किया जाएगा, तब तक के लिए वैलिड रहेगा। आगे अगर राउंड टू के बाद कोई बनाता है, राउंड वन के बाद बनाता है, तो उसका ये कंसीडर नहीं रहेगा। अब इसमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का भी सेम यही डेट है, 1 अप्रैल 22 है, और इसमें भी जो रिपोर्टिंग है राउंड वन के, जो रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाती है तब तक के लिए है इसमें। अब बात करें नेक्स्ट, ये तो थी एम्स प्रोस्पेक्ट की। अब बात करें कुछ से स्टेट्स के अपडेट्स हैं यहाँ पर, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो आईपीयू के फॉर्म फिर से ओपन हुए हैं, इनकी डेट अभी तक एक्सटेंड होती ही आ रही है, और अभी ये 24 जुलाई 2023 तक एक्सटेंड हो चुकी है। यहाँ काउंसलिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए दो बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, मतलब एक बार रजिस्ट्रेशन तो दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म। 1,500 रुपीज रजिस्ट्रेशन के देने होते हैं और 1,000 रुपीज काउंसलिंग के लिए देने होते हैं, तो ये 24 जुलाई तक आप कर सकते हैं इसका रजिस्ट्रेशन। अगर जिन कैंडिडेट ने 11th 12th दिल्ली से कर रखी है वो इस कंडीशन में शामिल होते हैं, वो दिल्ली की डोमिसाइल रखते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं आसाम स्टेट के लिए, तो आसाम स्टेट के जो स्पेशल कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे स्पोर्ट्स वगैरह के, उनके फॉर्म तो पहले ही फिल हो चुके थे, लेकिन अभी जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं 25th जुलाई 23 से,
और 29 जुलाई 2023 इसकी लास्ट डेट रहेगी। चॉइस फिलिंग का 30 से 1 अगस्त 2023 तक शेड्यूल रहेगा और लॉकिंग का रहेगा 1 अगस्त 2023 को। इसके बाद में सीट अलॉटमेंट हो जाएगा 2 अगस्त से 3 अगस्त 2023 तक और रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 4 अगस्त 2023 को। तो ये आसाम स्टेट का शेड्यूल है। अभी जो नेक्स्ट शेड्यूल है वो महाराष्ट्र स्टेट से है। महाराष्ट्र स्टेट के अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। महाराष्ट्र स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 24 जुलाई 2023 से। तो आप इसकी वेबसाइट पर इसके रजिस्ट्रेशन 24 जुलाई से कर सकते हैं महाराष्ट्र स्टेट के लिए। तो ये कुछ स्टेट्स की काउंसलिंग अपडेट थी और एम्स का प्रोस्पेक्ट था। बाकी और जानकारी मिलेगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।